नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेलटेक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से गैस कटिंग कर सकते हैं और गैस कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको कौन कौन सी गैसों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कुछ लड़के जो हैं उनको तो पता होगा और जो बिल्कुल नए हैं उनको पता नहीं रहता है कि कटिंग कैसे होती है, कौन सी गैस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दो गैसों का यूज होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन सपोर्टर और एसिटिलीन ऑक्सीजन जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन एक सपोर्टर गैस के रूप में काम करती है। जब हम फ्लेम को जलाते हैं सबसे पहले हमें एसिटिलीन गैस खोलते हैं और फिर एक चिंगारी देकर फ्लेम को जलाते हैं। उसके बाद हम फिर ऑक्सीजन गैस को खोलते हैं जिससे कि फ्लेम हमारा तैयार हो जाता है। पहले हम न्यूट्रल फ्लेम बनाते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है दोस्तों, उसमें दोनों गैसें बराबर मात्रा में होती हैं, उसका रेशो होता है 1:1। तो न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद हम जिस मेटल को कटिंग करेंगे उस मेटल को काटने के लिए हमें वहाँ पर थोड़ा हीट करना होता है, उसको प्री हीट करते हैं इस तरह से। तो प्री हीट करने के बाद दोस्तों उसमें एक धीरे से कट लगाया जाता है जो कि जब मेटल पिघल जाता है और फिर यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन का जो लीवर लगा रहता है कटिंग टॉर्च में, एक ऑक्सीजन एक लीवर लगा रहता है जो कि ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ बाहर निकालता है। तो जब उसको दबाते हैं तो ऑक्सीजन बाहर आती है जिससे कि पिघला हुआ मेटल एकदम से कटने लगता है। तो धीरे धीरे उसको हाथ को हम अपने उस दिशा में चलाते जाते हैं जिस दिशा में हमें मेटल को काटना है। तो इस तरह से हम मेटल की कटिंग कर सकते हैं।